मेरे को घुमाने ले चलो यार तुम। फेवरेट है हमारा, बजट का थोड़ा कम ही तो हम ये कर देते हैं। कल ज्योति अपने घर पे भी खाना बनाएगी। हमेशा ये हमेशा। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में, इस मस्त सेक्सी से सीन में। और अभी हम खड़े हैं अमिया गांव के बीच में। तो ऐसा सीन था कि शाम को मैं बैठा हुआ था अपने रूम पे, ठीक है, और मैं जब सो के उठा था और अपना दिमाग बहुत चकरा रहा था, तो मैंने क्या किया, हमारे विनय भाई को मैंने कॉल लगाया। वहाँ है अपने विनय भाई, फोटो खींचते हुए। तो मैंने विनय भाई को बोला, विनय भाई यार मेरे को घुमाने ले चलो यार तुम। तो विनय भाई बोले, कहाँ जाना है तुमको, तुम अपना पिछवाड़ा लाओ, मैं अपना स्कूटी लाता हूँ। और तुम बस नज़ारे देखो यार, नज़ारे देखो, पहाड़ देखो यार, पहाड़ मस्त है ना, एकदम पत्थर बहता हुआ पानी और पत्थर और पहाड़, एक इंसान दूसरा इंसान, क्या चाहिए तुमको। और बस ये सब देख के ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाली फीलिंग आ गई कि वहाँ पे ऐसा सीन होता था ना कि नदी वदी के कोने हम लोग बहुत जाते रहते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और हर दिसंबर के टाइम पे न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग एकदम पिकनिक विकनिक के लिए मूड बना के जाते थे, एकदम मस्त कि खाना वाना बनाएंगे दोस्तों को मिलके, फैमिली वाले मिलके। तो ऐसा वैसे पहले पहले यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि यहाँ एक एंट्री गेट है, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं क्योंकि लोकेशन थोड़ा अच्छा है, तो लोग हल्का हल्का लिटिल लिटिल पीने के लिए भी आते हैं यहाँ पे, तो पुलिस वाले चेकिंग के लिए रहते हैं। तो लकीली हमारे विनय भाई ने वो लाना भूल गया अपना, क्या लाना भूल गया तुम सोचो, मैं भी सोच रहा है दिमाग में आ नहीं रहा, क्या लाना भूल गया विनय भाई, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूटी के पेपर्स। तो फिर हम आगे गए आधे घंटे, चाय वाय पी के आए, फिर वापस जब आ रहे थे तब देखा कि पुलिस हट गई, तब फिर यहाँ पे आए। तो फोटो वोटो खींचने का हो गया अपना थोड़ा सा, और थोड़ा सा घूम घाम भी लिया। अरे ये देखो यार, ये पत्थर देखो, ऐसे नहीं लग रहा शेल टाइप का, नहीं लग रहा कुछ। तो अब जा रहे हैं स्कूटी की ओर, स्कूटी है, स्कूटी हमने वहाँ कहीं पार्क किया था जो दिख नहीं रहा, और अलोंग दैट वे उसके पहाड़ के एकदम टच होके हुए आ रहे थे, तो अभी वहीं जाना है। तो फिर ठीक है, अभी सीधा घर में मिलते हैं, हो गया यहाँ का जितना भी था कार्यक्रम, अब बस सीधा घर में मम्मी के साथ किचन में कंटिन्यू करेंगे डायरेक्ट। और आ गए हम लोग किचन में, तो अभी ब्रेकफास्ट का सीन हो रहा है, ब्रेकफास्ट तो बन गया। और सबसे बढ़िया चीज, जश एक आदमी हुआ ब्रश करते वक्त चीखा, और सबसे बढ़िया चीज ये हुआ, थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जो अपना चीफ मिनिस्टर है उसने ना बहुत सारे लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और बहुत सारे लोगों को डाटा कि भाई पावर सप्लाई का क्या चल रहा है सब फालतू का। तो उसके बाद से जिस दिन न्यूज़पेपर में आया, उसके बाद से हम बोल रहे ना, बोलने दो, करेक्ट करता हमको, इलेक्ट्रिसिटी का एकदम झोलझाल बंद हो गया, मतलब एकदम सही चल रहा है भाई, पंखा चल रहा है, दोनों एसी चल रहा है, बोला भाई साहब चलवे पंखा फ्रीज हवा सब चल रहा है, ये तो पंखा ही चलता हवा का मिलता था उससे, खाली ऐसे करते रहता था, नाचते रहता था वो, और यहाँ पे ये बन रहा है बैंगन का सब्जी, पापा सुबह सुबह बैंगन तोड़ के लाया था, थोड़ा छोटा 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 था, उठा तोड़ के ले गया। बैंगन फेवरेट है ना पापा का, बैंगन बिना उस दिन जन्मदिन में बिना बैंगन का सब्जी खा के आया, कल से देख रहा था बैंगन बैंगन करके, तो याद आ गया, अरे दो तीन लगाए चलो ले ले, टिफिन है भाई बना ले इसको सब्जी, नाश्ता में हो जाएगा। पापा जब जर्नी में जा रहे थे ना, तो ट्रेन में खाना जितना भी मिल रहा था तो उससे पेट ही नहीं भर रहा था, घर में क्या होता थोड़ा खाते हैं फिर कुछ चलता रहता दिन भर, अब ट्रेन में क्या एक टाइम का दिया, फिर थोड़ी देर के बाद सिस्टमेटिक वे में देते हैं, तो बोलते हैं कॉल करके पेट नहीं भर रहा मेरा। कितने बार तो रुका बोला ना ट्रेन स्टेशन में, बड़े बड़े स्टेशन में रुकता है ना, बाहर आगे कुछ कुछ खाया मैंने, बोला तो वो लोग का चाय तो चाय ऐसा ही है, चाय बोला भैया आप लोग ये चाय देता है तो ये तो अच्छा नहीं था, तुम खुद बिक्री करने जो 20 रुपए कप का लेके आते हो ये तो अच्छा था, वो तो कंपनी का चाय है ना, वो इतना ही मिलता है, एक चाय पत्ती का पुड़िया, चाय इतना हिसाब का होता है वो, और इतना ही होता है, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उसमें, अब ये खुद बना के लेके आया तो इसमें तो कुछ डाल सकता है ना, इसमें से बना सकता है 20 रुपए कप चाय बेच रहा था अंदर ही, वो आदमी काम करने वाले काम करने वाला है, कंपनी वाला ओवर टाइम का जैसा नहीं होता है, वो ओवर टाइम मतलब अपना चाय बना के बेच रहा है 20 रुपए कप। और यहाँ पे मैं आपको लाया हूँ दिखाने के लिए एक चीज, एक मस्त मसालेदार तो नहीं है वो, अरे कहना क्या चाहते हो, तो एक्चुअली में क्या हुआ, मम्मी उठा के लाई एक गोबर, ये सारा गोबर वहाँ डालेंगे, वहाँ थोड़ा डाल दिया है, कपड़ा गंदा हो गया है, कपड़ा चेंज भी हो गया है गोबर उठाने के चक्कर में, अभी भरा हुआ गोबर एकदम लाया है, कुछ बोलो ना, आपको दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलना, बोलो ये गमला रख ले। और एक चीज देखो, ये हमारा पानी डालने का बर्तन, आदमी बाजार से लाता है स्प्रे, वो फिर मारने वाला नहीं होता, तो हमारा बजट का थोड़ा कम ही तो हम ये कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा एक था ना, हमने जो टमाटर का पेड़ अंदर लगा दिया था, इसमें भी टमाटर पक गया, एक तो ये पकाया, एक ये पकाया, चार निकाला था ये अंदर लगाया था कि अच्छा पकेगा, अच्छा लंबा टिकेगा, बोल के पेड़ तो बाहर वाले से भी ज्यादा जल्दी मर गया, कम से कम वो दो बार तो खाना दिया कुछ, ये तो एक बार भी नहीं रहा ढंग से, उसने चार टिपा, अभी ये दो हो गया, छह हो गया, दो उसमें लगा, फूल लग रहा है, बाहर का खत्म हो गया, दो ही रहे, चार चार होने से एक बार कभी चटनी हो जाता है। और मम्मी का ट्यूशन आ गया है और पढ़ाई वढ़ाई चालू होके भी खत्म हो गया, ठीक है, उस दिन मैंने बोला था ना कि मम्मी अपना इंट्रोडक्शन देगी फुल बिना देखे, तो आज मम्मी को पूछ के देखते हैं कितने दिन चली है, याद हो गया, बोलो बोलो मैं
अभी शर्मा रही है. नाउ माय नेम इज संदन हमने. आई एम मैरिड विद वन सन. आई लिव इन पनियाली कटरी. और आज क्या पढ़ाई किया? आज क्या क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. उसके बारे में डंकी के बारे में पढ़ा, एग, एलिफेंट, जो बेसिक होते हैं ABCDEFGH, तो उसी के एक एक वर्ड ले लिया उसका. जैसे एग, दिस इज़ अ एग, एग इज़ वाइट, लुक एट द वाइट एग, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस बना के आगे बढ़ते. तो आंटी को भी दिस दैट एट लुक, इनकी स्पेलिंग से याद होने स्टार्ट हो गई है, लिख देती है वो. होता क्या है, अगर आंटी से पूछूँ आंटी दिस की स्पेलिंग क्या है, THE, लिखने के लिए बोलूँगी दिस, वो दिस ही लिखती है, THIS. ऐसा होता है आंटी के साथ. बोलती अलग है लेकिन लिखती सही है. धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. हाँ, मम्मी को वो बनाने आता है क्या? क्या क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है, क्या बोलता है? रुको ना, याद नहीं आ रहा हमको. लौकी को कोफ्ता बनाने आता है? नहीं आते. तेरे को आता है? हाँ आते हैं. तेरे को आता है? हाँ, इजी होते हैं. बस कल दिन का लंच ज्योति बनाएगी अपना. ज्योति लौकी के कोफ्ते कल ज्योति अपने घर पे भी खाना बनाएगी, हमारे घर पे भी खाना बनाएगी. डन. हाँ ठीक है, डन. मैंने कभी बनाई नहीं. लौकी का कोफ्ता कब बोला बनाऊं? एक दो बार मुन्नू दीदी वहाँ आंटी लौकी का कोफ्ता बनाए, बाबू बनाऊं क्या? नहीं नहीं, लौकी का भी कोफ्ता आता है क्या? क्या होता है बोलता था ना, मैंने सिखाई नहीं. अब बच्चे लोग ही नहीं खाते थे क्या? इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो नहीं बनाए. मतलब सुना है, मतलब बनाया नहीं खुद ने. ठीक है ठीक है, बन जाएगा फिर. सुना है तो बन भी जाएगा. तो टीचर मास्टर तो चले गए, कल बनाएगी खाना वो. और मम्मी अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही है. यहाँ पे क्या बन रहा है स्पेशल? अभी ये तो दाल है, चावल बनेगा, सब्जी क्या खाया तुमने? लेकिन मम्मी का ना ट्यूसडे में मजा नहीं आता खाना, एक ही खाना खिलाता. हमारे घर में ऐसा होता है, ट्यूसडे को पहले क्या होता था, रात को खाना होता था हमारा राजमा या मटर. वो खा के मैं पागल हो गया, तो मैंने बोला ये बनाना बंद करो, दाल चावल बना कम से कम. और आजकल क्या होता है, दिन में खाने पे मेरे को मिलता है पनीर, वो भी खा के बोल गए. पनीर बहुत था ना, सब्जी खा के लौकी बना दूं? मतलब मैं लौकी बचा के रखो तो कल के लिए है ना. एक अरे एक और लगेगा क्या, ले लेंगे शाम को. ऐसे ट्यूसडे का नाम तो मम्मी व्रत रखता, तो एकदम ऐसा फीका फीका हो जाता है. हमेशा तो रोज मीट खाने वाला आदमी को फीका लगेगा ना. ऐसे कुछ अलग सब्जी अपनी बनाया, कुछ ऐसे कुछ सब्जी बना क्या, कद्दू बना दो, कुछ भी करता हूँ मैं ऐसे. एकदम ट्यूसडे का दिन में एकदम फीका फीका, एकदम मजा नहीं आता स्वाद. वो हमेशा ये हमेशा वो चबाने वाला, वो मीट मरी चबाने वाला लगेगा फीका, जितना भी अच्छा खाना बनाओ. फिर मैं माल मसाला भी कम डाल लगता है ट्यूसडे को. तो आगे पीछे तुम्हें बोलते कम डालो मम्मी, तेल कम डालो मम्मी, ये कम डालो वो डालो. माल मसाला मतलब थोड़ी तेल ही होता है क्या हर बार? वैसे बाकी सब भी तो मसाला होता है कितना सारा, हल्दी थोड़ा जैसे ज्यादा डालो, थोड़ा कुछ अलग ज्यादा ज्यादा डालना, हमको नहीं मालूम कुछ ज्यादा डालो. हल्दी 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 ज्यादा तेल ज्यादा डालेगा तभी तो तेल मसाला वो पकेगा, तभी स्वाद होगा. तेल कम नहीं डालो, हल्दी ज्यादा डालो, मसाला वो करता है. ट्यूसडे का एकदम मम्मी एकदम व्रत वाला फील पूरा सबको दे देता. अरे क्यों, एक बार तो खाते सबको पिलाना चाहिए ना. नहीं आना चाहिए क्या? नहीं आना. हम तो बोला था मत रखो व्रत. अरे अरे मत रखो, तुम तो बोल रहे थे मत खाओ. बोलेगा तुम तो, हम बोला हम खाओ बोल रहा है, मम्मी नहीं खाएगा बोल रहा है. क्यों दाल के स्पेशल बना देते हम? दाल स्पेशल बना दाल देखो कितने ऐसे हो रहे हैं. सब्जी बना क्या सब्जी खाएगा बताओ तो. क्या क्या है? लौकी है, कद्दू है, बीन्स है, बंदा गोभी है, सब्जी तो सब है. बीन्स, बंदा गोभी, आलू फ्राई कर दो. डन. तो अभी खाना वाना खा के तो हो गया. और एक चीज़, पापा गए थे नॉर्थ ईस्ट केस के चक्कर में, अब वहाँ दोस्तों से मिले, कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ कुछ याद आया. लेकिन एक दिन मैं नहीं बताता, टुकड़ों में बताता है, टुकड़ों में किश्तों में बताते हैं खाना खाते से मैं. जैसे अभी थोड़ा सा बताया, कल थोड़ा सा बताएंगे, परसों थोड़ा सा बताएंगे, एकदम टुकड़ा 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 करके बता रहे हैं. बताओ अलग ही सीन चल रहा है उनका, अलग ही मतलब हर वीडियो में इतना टुकड़ा डालो, आज ये कल वो, परसों फिर और याद आ जाएगा कुछ दोस्तों ने कुछ बताया था करके. नहीं तो फिर कुछ याद आएगा, फिर पुराना केस का बताने लग जाएंगे कि इस केस में मैं यहाँ गया तो फिर ये हुआ था ऐसा हुआ. लेकिन मैं बोलूंगा कैमरा के सामने बोलो तो फिर एक चीज है कि मेरे को बोलना नहीं आता. तो फिर अभी आज का वीडियो तो यहाँ खत्म करते हैं. पापा जब पूरा एकदम बैठ के बोल देंगे ना कि हाँ ये हुआ था, तो मैं एक दिन पूरा वही बोल देगा कि हाँ ये सब हुआ था. हर दिन टुकड़ा 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 बताने में मजा नहीं आ रहा. तो बस नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय. सही है यार, एकदम हरा भरा. ये साइड में पहाड़ एकदम हरे हैं, ये साइड में पहाड़ थोड़े टकले हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है यहाँ. वहाँ खोपड़े के ऊपर उड़ा हुआ ऐसा लग रहा है. ये तो एकदम हरा भरा मस्त, मतलब बुढ़ापे के चार पांच फेस दिखा दिए इसने. पहले यहाँ के बाल जाएंगे, फिर यहाँ के बाल जाएंगे, फिर यहाँ पूरा टकला जाएगा, फिर पूरा रहेगा. तो